जब मैं विलन बनता हूँ ना। तो जनाब बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि किस पे वीडियो बनाई जाए, तो मेरे जहन में आया कि अभी रेड चिलीज वालों ने अपना VFX की एक शोरील निकाली 2023 की, तो क्यों ना उस पर एक उसके जो VFX है उस पर थोड़ी सी कमेंटेटरी करें और बताएं कि उन्होंने उस VFX में सबसे मेन चीज़ क्या है और मज़ेदार चीज़ क्या है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। रेड चिलीज का VFX तो निकल गया, बट सबसे मेन चीज़ ये है कि उसके VFX में इतना दम नहीं था जो मुझे लगा कि शायद उसमें जो साउंड है उसका VFX ज़्यादा अच्छा, वो उसका साउंड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पेसिंग के साथ और जो उसकी अलाइनमेंट हुई हुई है, तो साउंड में ज़्यादा दम है VFX से ज़्यादा। मतलब मैं एक समझता हूँ कि साउंड ज़्यादा दमदार है और मुझे लगता है कि शायद साउंड पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जितनी भी मूवीज़ आती हैं ये कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती हैं, तो उन्होंने बोला किस किस को VFX पे वो करें, तो उन्होंने बोला साउंड पर ही तवज्जो दे दो ताकि उसकी पेसिंग भी बरकरार रहे और वर्ड्स के साथ भी उनके जो साउंड ट्रांजिशन है वो भी बरकरार रहे। अच्छा जनाब, एक चीज़ होती है NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये क्या चीज़ है? अगर आप VFX की रील देखें अभी रेड चिलीज की, तो इसके अंदर कुछ एनिमल या एक आज मूवीज़ का अभी तक उन्होंने वो नहीं दिखाया, इसके अंदर रील नहीं दिखाई, रील के अंदर क्लिप नहीं दिखाया, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है कि आप ये चीज़ें नहीं दिखा सकते क्लाइंट के हिसाब से। यानी कि उनके VFX में इतनी जाने के, अगर आप जवान का ये सीन देखें बाइक वाला, तो यकीन करें मैं बोलता हूँ कि कहीं कमी नहीं है। इतना ज़बरदस्त इस पर VFX ऐड करा है कि बिल्कुल रियल लग रहा है। इसी तरीके से अगर आप पठान का ये सीन देखें, अगर चाहते हैं तो इसके अंदर ये 3D मैक्स यूज़ करके या ब्लेंडर यूज़ करके इसको 3D करके एनिमेट कर सकते थे, पर इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल रियल एनिमेट करा है। यानी कि हर चीज़ इसमें CGI यूज़ की गई है, बट जो पठान का मतलब जो शाहरुख खान का सीन है वो बिल्कुल ओरिजिनल और रियल है, बाकी तमाम सेट वगैरह जो है CGI। वैसे तो VFX की दुनिया में रेड चिलीज को पापा माना जाता है क्योंकि शाहरुख खान के अपने ये VFX इसके अंदर सारा सेटअप इन्होंने लगा के रखा हुआ है और ज़्यादातर मूवीज़ जो हैं रेड चिलीज के बैनर तले ही बन रही हैं आजकल, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई देखने वाला है इनके VFX वाला और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो, क्योंकि मुझे इनका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, रिमाइंड वीडियो बहुत अच्छी लगी थी। तो जनाब आप भी जाके इसको जरूर देखिएगा और देखिएगा उन्होंने कहाँ का ब्रेक डाउन कराया। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो टेक केयर एंड बाय बाय।